हेलो गाइस, हेलो टू ऑल ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर एंड हियर इज मनोरमा। वेलकम बैक टू माय चैनल मनोरमा ब्यूटी एंड व्लॉग्स एंड हियर इज माय क्यूट डॉटर। हाय। सो फ्रेंड्स, आज मैं जो मेकअप लुक क्रिएट करने वाली हूँ, एक बहुत ही डिफरेंट सा मेकअप लुक है। मैंने हाफ फेस पर राधा, हाफ फेस पर कृष्णा क्रिएट किया था, ऐसा मेकअप लुक। तो ये मैंने एक मेकअप कॉन्वेंशन के लिए किया था, बट मैंने सिर्फ एक ही वीडियो दिया था उन्हें। उसके बाद कुछ प्रॉब्लम की वजह से मैं कॉम्पिटिशन में आगे पार्ट नहीं ले पाई, बट मैंने जो एक मेकअप लुक क्रिएट किया था, आई थिंक मुझे आप लोगों के साथ उसे शेयर करना चाहिए। इसलिए मैंने इतने टाइम बाद फाइनली डिसाइड किया कि मैं आज आप लोगों के साथ वो वीडियो ज़रूर शेयर करूँगी। सो फ्रेंड्स, अगर आप आज मुझे पहली बार देख रहे हो तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो एंड बेल आइकन प्रेस कर दो अपडेट्स के लिए, और वीडियो देख रहे हो तो लाइक भी कर लेना। एंड या विदाउट फर्दर डिले, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो गाइज, मैंने अपना स्किन प्रेप पहले से कर लिया था, इसलिए मैं अभी अपने आईलिड को कंसील करने के लिए ग्लैम 21 का कंसीलर पैलेट यूज़ कर रही हूँ। और कंसील करने के बाद मैं अपना आई मेकअप करने वाली हूँ कलर बोर्ड ब्यूटी क्लेस पैलेट से। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर ऑरेंज शेड लिया है अपने ट्रांजिशन शेड के लिए। उसके बाद अपने हाफ आईलिड को कंसील किया है विद कंसीलर। देन मैंने मिस रोज पैलेट से गोल्डन शिमर यूज़ किया है अपने हाफ आईलिड पर एंड आउटर कॉर्नर पर ब्लैक कलर स्मज किया है। और अपने स्पॉट्स को करेक्ट करने के लिए मैंने यहाँ पर ग्लैम 21 का ऑरेंज करेक्टर यूज़ किया है। अप्लाई किया अपने फेस पर, ब्लेंड किया अच्छे से। उसके बाद मैं यहाँ पर फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ, मेबेलिन फिट मी 128 शेड है मेरा। इसे भी अप्लाई करने के बाद अच्छे से मैं इसे ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड कर रही हूँ। सारे क्रीम प्रोडक्ट लगाने के बाद उसे अच्छे से ब्लेंड किया, देन मैंने पाउडर से इसे सेट किया। तो मैं जो पाउडर यूज़ कर रही हूँ, लैक्मे रोज़ पाउडर है। देन स्टे क्विके का काजल मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ और उसे स्मज कर रही हूँ। स्मज करने के बाद मैं उसके नीचे लोअर लैश लाइन पर ऑरेंज शेड काजल के साथ ही ब्लेंड कर रही हूँ। देन आई एम गोना अप्लाई दिस मस्कारा। अपने लैशेस को ब्यूटीफुल लुक देने के लिए मैंने यहाँ पर वेट एंड वाइल्ड का मस्कारा यूज़ किया है। नेक्स्ट आई एम यूजिंग दिस जेल आईलाइनर, दिस इज़ फ्रॉम स्विस ब्यूटी। और मैंने यहाँ पर विंग लाइन क्रिएट किया है। उसके बाद मैं यहाँ पर ब्लशर पैलेट यूज़ कर रही हूँ स्विस ब्यूटी का। मैं इसी से कॉन्टोर कर रही हूँ, ब्लश भी मैं इसी से लगाऊंगी एंड हाइलाइटिंग भी मैं इसके साथ ही करूँगी। एंड नेक्स्ट आई एम यूजिंग दिस ब्राउ किट फ्रॉम फेसेस कैनेडा। मैंने अपने ब्राउ को फिल करने के लिए फेसेस कैनेडा का ये ब्राउ किट यूज़ किया है। इसके बाद कृष्णा लुक के लिए मैंने ये फाउंडेशन खुद बनाया था, अपने आई शेडो को फाउंडेशन में मिक्स किया था ब्लू कलर का। और ये कलर आने के बाद मैंने इसे अपने फेस पर अप्लाई किया, और हम जैसे पाउडर से सेट करते हैं अपना फाउंडेशन, बिल्कुल उसी तरह से मैंने ब्लू आई शेडो जो मैंने पाउडर करके रखा था उसी से मैंने इसे सेट किया है बिल्कुल अच्छी तरीके से। उसके बाद मैं आई मेकअप करूँगी, ब्लैक आई शेडो में यूज़ कर रही हूँ अपने ट्रांजिशन शेड के लिए। उसके बाद मैंने आईलिड को कंसील किया है, हाफ कट करने के बाद मैंने ब्लू कलर अप्लाई किया है उसमें। देन लोअर लैश लाइन पर मैंने काजल यूज़ किया है। काजल अप्लाई करने के बाद मैं उसे स्मज करूँगी विथ ब्लू कलर। और कॉन्टोर के लिए भी मैंने यहाँ पर ब्लैक आई शेडो ही यूज़ किया है। एंड हाइलाइटर के लिए सेम पैलेट, स्विस ब्यूटी का पैलेट मैंने यूज़ किया है यहाँ पर भी। और अपने लैशेस को डार्कर करने के लिए मैंने यहाँ पर वेट एंड वाइल्ड का मस्कारा यूज़ किया है। उसके बाद मैं कुमकुम से अपना पूरा मेकअप कंप्लीट करूँगी, देन आप देखना मेरा फाइनल लुक। और आपके पास भी अगर कोई ऐसा पैलेट है जो आप यूज़ नहीं कर पा रहे हो, आप इस तरीके से उसे भी यूज़ कर सकते हो। सो दिस लिपस्टिक इज़ फ्रॉम लैक्मे एंड नेक्स्ट आई एम गोना अप्लाई माई लैशेस। सो गाइज, दिस इज़ माई फाइनल लुक एंड इफ़ यू गाइज लाइक माई वीडियो देन प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर वीडियो अपडेट। एंड या डोंट फर्गेट टू ऑन ऑल नोटिफिकेशन। और अगर आप लोगों को मेरे वीडियो अच्छे लगे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर लीजिएगा। एंड या मिलती हूँ मैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन, बाय बाय।